हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह। हम लेके आते हैं आपके लिए डिफेंस अपडेट पर कोर्स गेम बॉक्सिंग और टेक न्यूज। दोस्तों, पहला ऐसा एपिसोड होने वाला है जहाँ पे मैं जो है टेक न्यूज और डिफेंस अपडेट एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं जो हूँ स्टेशन के ऊपर हूँ, फिलहाल अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ, तो सोचा एक वीडियो जो है पोस्ट कर दूँ। दोस्तों, अभी बात करते हैं सबसे पहले टेक न्यूज के बारे में। आप सभी को पता होगा कि कल जो है एजूस रिपब्लिक ऑफ गेमर यानी कि एजूस का एक सेलफोन लॉन्च हुआ, जो कि 70,000 के आसपास इसकी प्राइस थी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसकी प्राइस को डिस्कस कर दिया था दोस्तों। तो क्या ये सेलफोन जो है आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं? ये सेलफोन जो है 70,000 की रेंज में, आप सभी को पता होगा हुआ है मेट 20 प्रो 2018 के फ्लैगशिप लेवल के दो फोन यहाँ पे दोस्तों लॉन्च हुए हैं, जो कि हुआ है मेट 20 प्रो है और एसूस जेनफोन जो है एसूस आरओजी। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या ये फ़ोन कंसिडर करना चाहिए क्या नहीं। अब दोस्तों, मैं बता दूँ, अगर आप जो है गेमिंग स्मार्टफोन को पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप जो है एसूस आरओजी ले सकते हो। आपको जो है दोस्तों बॉक्स में काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिलेगी दोस्तों, और काफ़ी यूनिक फीचर्स के साथ दोस्तों ये सेलफोन होता है। लेकिन अगर दोस्तों को प्रोफेशनल फोन चाहिए, ऑलराउंडर फोन, तो दोस्तों आप हुआवे मेट 20 प्रो को कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ तक कि प्रोसेसर की बात है, दोनों में प्रोसेसर जो है दोस्तों सेम दिया गया है। यहाँ पे 845 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको दोनों में देखने मिल जाएगा। दोनों का परफॉर्मेंस जो है दोस्तों काफ़ी पावर एफिशिएंट है। लेकिन गेमिंग के लिए मैं अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप जो है ये कंसिडर कर सकते हैं। हुआवे मेट 20 प्रो जो है दोस्तों फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, 845 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। लेकिन 845 जो है एजूस आरओज में दिया गया, उसकी क्लॉक स्पीड जो है दोस्तों 2.46 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर बेस्ड है। तो यानी कि ये जो सेलफोन है उसमें एक्सटेंडेड क्लॉक स्पीड जो है दी गई है। परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों एजूस आरओजी है थोड़ा हुआवे मेट 20 प्रो से बेटर है। दोस्तों, ये तो हो गई आज की टेक न्यूज़ जो मेन हाईलाइटेड थी। अब दोस्तों बात करते हैं डिफेंस अपडेट की। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट जो आ रही है, पहली डिफेंस अपडेट दोस्तों आ रही है बोइंग कंपनी अमेरिका की ओर से। यहाँ पे दोस्तों इंडिया ने जो है 2015 में अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके अंदर इंडिया जो है अमेरिका की बोइंग कंपनी के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, जो कि CH-47 हेलीकॉप्टर है, वो परचेस करने वाली थी। और यहाँ पे 21 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की भी हमने डील की थी। तो अब दोस्तों लेटेस्ट ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया को जो है फरवरी 2019 में इसकी डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि गुजरात में ओखला पोर्ट है दोस्तों। यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आएंगे वेसल्स के थ्रू, और ये जो है दोस्तों वहाँ पे ही उसका प्लांट बनाएंगे, उसे वहाँ पे रीअसेंबल्ड करने में आएगा। यानी कि पहले यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट किए जाएंगे, फिर यहाँ पे जो उसका पूरे डिज़ाइन को रीबिल्डअप किया जाएगा ओखला पोर्ट में। और दोस्तों चंडीगढ़ बेस जो है वहाँ पे एयरफोर्स का, वहाँ पे दो हैंगर्स बनाए गए चिनूक हेलीकॉप्टर्स के लिए। यहाँ पे चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी सक्सेसफुली करने में आएगी, जो कि मार्च तक जो है यहाँ पे सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे। अमेरिका का ऐसा कहना है कि दो कंसाइनमेंट लग जाएंगे चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत है। ये हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों ये 10 टन का वजन ले जाने में सक्षम है। यानी कि ये जो है एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी आता है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको जो है भारी भरकम टैंक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने, तो इस एयरक्राफ्ट का, इस हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये जो है दोस्तों मोबिलिटी के मामले में काफ़ी हाई इसकी मोबिलिटी है। तो दोस्तों ये जो है 32 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ सकता है, और 10 टन का वजन ले जाने में ये सक्षम है। काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर है दोस्तों। इंडिया के पास जो है दोस्तों फिलहाल MI-26 हेलीकॉप्टर है, जो कि 4 हेलीकॉप्टर है, जिसमें से एक जो है सर्विस में, बाकी तीनों की तीन जो है। इंडिया जो है MI-26 को फिलहाल तो यूज़ नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन हम जो है मार्च में जो है 2019 के जो सारे के सारे 15 चीज़ हेलीकॉप्टर हमारी एयरफोर्स को करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे डिफेंस, जो दूसरे डिफेंस जो मानसूपर वैसे यहाँ पे दोस्तों इंडिया और कोरिया के बीच में एक सौदा हुआ था, जिसमें जो है मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि इंडिया जो है कोरिया के पास माइन स्वीपर वेसल लेने वाली है। ये माइन स्वीपर वेसल जो है दोस्तों, इसका ऑर्डर तो हमने कब का प्लेस कर दिया था, शायद जनवरी 2019 में 3 माइन स्वीपर वेसल हमें मिल सकती है, जो कि कंगनम कंपनी जो कि कोरिया की है ये हमें प्रोवाइड करेगी, जो कि काफ़ी एडवांस वेसल होने वाली है। अब जो है दोस्तों इंडिया जो है इटली को भी 2 माइन स्वीपर वेसल का ऑर्डर देने वाला है। अभी आगे देखने में आएगा दोस्तों कि दोनों वेसल में से किस कंट्री की वेसल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दोनों भी दोस्तों माइन स्वीपर वेसल होने वाली है। यहाँ पे कोरिया ने हमें 3 माइन स्वीपर वेसल दी है, और इटालिया में 2 माइन स्वीपर वेसल देगा जनवरी 2019 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे डिफेंस अपडेट की। दोस्तों थर्ड डिफेंस अपडेट आ रहा है ईरान की ओर से। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे ऐसा इंटरेस्ट दिखाया कि वो ईरान को जो है अपना JF-17 फाइटर प्लेन जो है शायद सप्लाई कर सकते हैं। JF-17 जो है दोस्तों फाइटर प्लेन, ये चाइना और पाकिस्तान ने मिल के जो है यहाँ पे बनाया था। इसके ऊपर दोस्तों काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी। इंडिया का तेजस फाइटर प्लेन जो है दोस्तों, जो कि इंडिया में खुद ही इंडिजिनस डेवलप हुआ, यहाँ पे सऊदी अरेबिया जैसे काफ़ी कंट्रीज है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखा जैसे परचेस करने में, लेकिन यहाँ पे ईरान जो है तेजस को निगलेक्ट करते हुए जो है पाकिस्तान के पास JF-17 परचेस करने वाला है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। JF-17 वैसे तो दोस्तों काफ़ी पुराना फाइटर प्लेन हो चुका है, तो वो जो है दोस्तों 3+ जनरेशन की फाइटर प्लेन है, और तेजस जो है दोस्तों
वो 2020 तक जो है 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बन जाएगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों ये तो हो गया आज के डिफेंस अपडेट, और दोस्तों इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप सब चाहते हो मैं आपके लिए जो है काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आऊँ, यानी कि फ्लिपकार्ट है अमेजोन के ऊपर काफ़ी सारे डील्स आते रहते हैं आए दिन, तो अगर आपको दोस्तों डील्स चाहिए तो आप मुझे जो मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये डील्स चाहिए, तो मैं जो है डील्स के ऊपर भी एक वीडियो पोस्ट अलग से करूँगा, जिसके अंदर मैं जो आपको डे टू डे काफ़ी सारे डील्स लेके आऊँगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मैं जो है ट्राई करूंगा, मैं नेटिव प्लेस पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कनेक्टिविटी मिली तो मैं जो है दोस्तों कल भी आपके साथ डिफेंस अपडेट टेक न्यूज़ को शेयर करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।